अरे नहीं, इस राक्षस ने भी मुझे गलत रास्ता बता दिया। कहाँ आकर फंस गया मैं? कितनी ठंड है यहाँ, मेरी तो यहाँ कुल्फी जमने वाली है। अब आ ही गया हूँ तो अब अपनी मंजिल तो ढूंढनी ही पड़ेगी। आज अगर दादाजी की बात मानी होती तो इतनी कड़कड़ाती ठंड में भटक नहीं रहा होता। अरे बहुत ठंड है यहाँ तो, कहीं छुपने को जगह मिल जाती। पहले घना जंगल, फिर तपती धूप का रेगिस्तान और अब ये कड़कड़ाती ठंड, ये तो मुझे ऐसे ही मार डालेंगे। अरे एक और गुफा, चलो अच्छा रहा ज्यादा भटकना नहीं पड़ा, यही है मेरी मंजिल। मजा आ गया, यहाँ तो बहुत गर्माहट है, बस ये दुर्गंध कैसी आ रही है। अरे ये क्या भालू, ये तो भालू है। जल्दी निकल ले सबल इसकी गुफा से, नहीं तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। पीछे मुड़क कर भी नहीं देखना है सबल, जल्दी से जल्दी भाग। एक तो भालू की नाक बहुत तेज होती है, कई किलोमीटर से वो सूंघ सकते हैं। मैं तो उसकी गुफा में ही आ गया था। उस भालू का खाना बनने से अच्छा यहाँ ठंड में भटकना ही सही है। ये क्या, ये तो भालू की आहार है, उसने मुझे ढूंढ लिया, तो जल्दी भागना पड़ेगा। बर्फ में तो भागते भी नहीं बन रहा है, लेकिन जाने तो जहाँ कुछ सोच सवाल, कुछ सोच। कैसे बचूं इस भालू से, इस बार तो पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता। हाँ आइडिया आ गया, ये ले, लगता है इससे काम हो जाएगा सवाल। कुछ धूप तो निकली, नहीं तो मेरी कुल्फी जम रही थी उस बर्फीली बरसात में। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, कौन सी दिशा जाऊं? अरे ये क्या, पानी का झरना, ये तो बर्फ के कारण जम गया है। पास जाके देखता हूँ। ये लड़का आम लड़का नहीं है, तभी तो यहाँ तक पहुँच गया, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अरे ये क्या, इस जमे हुए झरने के पीछे एक रास्ता है, जाकर देखना पड़ेगा। अब बस डर यही है, इस गुफा में उस भालू का कोई चाचा मामा या फिर कोई रिश्तेदार न रहता हो, नहीं तो इस बार नहीं बचूंगा। ये क्या, यहाँ भी रास्ता बंद है, चलो आराम ही कर लूंगा। अरे ये क्या हो रहा है, लगता है सही जगह आ गया मैं। तुमने आखिर मेरी गुफा ढूंढी ली सबल, इतने बर्फीले तूफान में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम यहाँ तक आए हो तो तुम जानते हो कि इस दुनिया से आगे जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। जानता तो हूँ, लेकिन बोलूं कैसे, और कोई चारा भी तो नहीं है। पूछो सवाल बर्फ राक्षस। तो सुनो सवाल, इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए ध्यान से सुनना मेरा सवाल। कोई समय किसी राजा के यहाँ एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। सभी लोग वहां उस पार्टी का बहुत आनंद ले रहे थे। किसी कोने में राजा को कोई चमकती चीज नजर आई और देखते ही कहा, ये तो नई खरीदी हुई अंगूठी है। राजा ने पार्टी को बीच में रोककर उस अंगूठी के बारे में सभी से पूछा। उस अंगूठी के लिए तीन राजकुमारियां आगे आईं। तीनों को आता देख
राजा परेशान हो गया। है तो ये किसी एक की अंगूठी, पता करना पड़ेगा। फिर राजा ने तीनों को बारी बारी से बुलाया। पहली राजकुमारी जो थोड़ी मोटी थी उसे पहना कर देखा। मोटी उंगली होने के कारण वह अंगूठी किसी में भी नहीं जा सकी। मोटी राजकुमारी ने कहा, मैं वह अंगूठी पर्स में लाई हुई थी। फिर दूसरे नंबर की राजकुमारी को बुलाया गया जिसकी उंगली में अंगूठी का निशान बना हुआ था। अंगूठी उस उंगली में मजबूती से फिट बैठ गई। फिर तीसरे नंबर की राजकुमारी को बुलाया गया जो बहुत दुबली थी, जिसके कारण वह अंगूठी पहनाने पर सभी उंगलियों में आसानी से चली भी गई और निकल भी गई। इस चमकदार अंगूठी का असली मालिक होगा कौन? इनमें से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कैसे पता लगाऊं? तो बताओ सवल, अंगूठी का असली मालिक होगा कौन? कौन होगा असली मालिक, बताओ सवल। अंगूठी का असली मालिक होगा कौन? जैसा कि बताया गया है बर्फ राक्षस, उस राजा को जो अंगूठी मिली है वह नई खरीदी हुई है। राजा ने पहली राजकुमारी को अंगूठी पहनाई जो कि मोटी होने के कारण वह अंगूठी बिल्कुल किसी भी उंगली में नहीं जा सकी, जिस कारण राजकुमारी ने कहा कि वह अंगूठी मैं पर्स में लाई हुई थी। कोई भी पार्टी हो, अंगूठी को पर्स में लाने से क्या मतलब जब वह देखी ही ना जा सके। यानी पहली राजकुमारी झूठ बोल रही है। अब दूसरी राजकुमारी की बात करें जिसके हाथ की उंगली में अंगूठी का निशान भी है और वह अंगूठी मजबूती से फिट भी आ गई है, लेकिन नई खरीदी हुई अंगूठी का निशान उंगली पर इतनी जल्दी नहीं बनता। और इसके अलावा भी जब अंगूठी उस उंगली में एकदम फिट आ गई है तो वह अंगूठी गिरने का सवाल ही नहीं होता। यानी दूसरी राजकुमारी भी झूठ बोल रही है। अब तीसरी राजकुमारी की बात करें, अंगूठी एकदम नई खरीदी गई है तो वह एकदम नाप की क्यों नहीं खरीदी गई है? मतलब तीसरी राजकुमारी भी झूठ बोल रही है। अब रहा सवाल कि इस अंगूठी का मालिक कौन है? जब कोई अनजान चीज मिलती है तो उस पर सबसे पहला अधिकार उस जगह की सरकार का होता है, यानी कि उस अंगूठी पर अधिकार उस राजा का होगा। जिस कारण अंगूठी का मालिक न मिलने के कारण वह अंगूठी उस राजा के शाही खजाने में जमा हो जाएगी। तुम्हारे सवाल का उत्तर यह होगा कि उस अंगूठी का मालिक राजा होगा। सवाल तुमने इस बार भी सही उत्तर दिया, अब मैं चलता हूँ। इस बात तो मुझे सच में नहीं पता था, मेरा तुक्का सही भी हो गया और वह बेवकूफ चला भी गया। अरे नहीं, समझ में नहीं आता बेवकूफ कौन बना, वो कि मैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल सचिन टून्स ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें।